आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। समस्तीपुर में बागमती का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में कई प्रखंडों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं शुरू। से पहले इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। कल्याणपुर, वारिश नगर सहित कई प्रखंडों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। बागमती नदी के बाढ़ से सुरक्षित और सुरक्षा को लेकर के करोड़ों रुपये की लागत से हाया घाट रिंग बांध बनाया गया है, लेकिन 0 माइल के पास बाढ़ का पानी ओवरफ्लो होकर के कल्याणपुर प्रखंड के कई पंचायतों में तबाही मचा देता है। इतना ही नहीं, यह पानी यहां से आगे निकल के खानपुर प्रखंड तक जाकर लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है। 0 माइल के पास बांध पर मिट्टी भरने की ज़रूरत है, लेकिन इस और कोई पहल नहीं किया गया है। हर साल जबकि बाढ़ का पानी ओवरफ्लो करने लगता है तो उस वक्त उसे रोकने की कवायद शुरू की जाती है बिहार सरकार की ओर से। उससे पहले कोई भी कार्य चालू नहीं होता है। हाया घाट परना रिंग बांध कई बार जल दबाव के कारण टूटने के बाद इसका ऊंचीकरण और शुद्धिकरण भी कराया गया है, लेकिन 0 माइल के पास बांध को कुछ देर में और कुछ दूर में ऊंचा करने की ज़रूरत है और इस जगह पर पानी ओवरफ्लो कर जाता है। पिछले साल भी 2020 में जब पानी ओवरफ्लो करना शुरू किया था तो उसे ऊंचा करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया था, लेकिन चारों तरफ पानी घिर जाने की वजह से बांध के अंदर भी पानी घुस गया था और इससे कई ज़्यादा तबाही हुआ था और कई लोगों को परेशानी भी हुई थी। इसी दौरान एक और बड़ी खबर आई थी कि नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई थी। पुरुषोत्तम नगर थाना क्षेत्र के परसा गाँव के पूरब बगीचा के सटे बहने वाले नौखनिया नदी में 2 बच्चे की डूबकर मौत हुई थी, जिसके बाद और भी लोग घबरा गए हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, झंझारपुर जैसे तमाम कुछ रेलवे रूटों पर भी पानी आ जाने की वजह से ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया था, जिस वजह से ट्रेनों का यातायात पूरी तरह ठप हो गया था और इस बार भी खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में कई ट्रेनों को समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के अलावे अन्य रूट से संचालित की जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया गया, लेकिन अभी ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल नहीं हुई है, कुछ ट्रेनों का परिचालन अब भी जारी है। तो ये था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और इस वीडियो को करें आगे शेयर।